हेलो गाइस, दिस इज अखिल एंड वेलकम टू इन हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पर से आप इंस्टेंटली लोन ले सकते हैं, और वो भी ऑनलाइन। बिल्कुल आपको कोई फिजिकल पेपर वर्क्स नहीं करने हैं, आप घर बैठे बैठे यहाँ पर से इंस्टेंटली लोन ले सकते हैं। मेरा लोन अप्रूव हुआ है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और आज मैं इस एप्लीकेशन का सिर्फ ओवरव्यू आपको दिखाने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका फुल ट्यूटोरियल आपको दे दूंगा। तो चलिए मैं आपको आज दिखा देता हूँ इस एप्लीकेशन का इंटरफेस, और लोन अप्रूव मेरा हुआ है कि नहीं, और कैसे मैं ये लोन मेरे बैंक अकाउंट में ले सकता हूँ, सबके सब मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट बी, आप शायद जानते होंगे। तो इसमें ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। लोडिंग होने दीजिए। तो आप देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल फैचिंग हो रहा है, तो थोड़ा वेट कीजिए। आप देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल फैचिंग हो गया, तो मेरा लोन अप्रूव हो गया है। क्योंकि मैं एक सैलरीड पर्सन नहीं हूँ, और मैं कोई यूट्यूब छोड़ के मैं कोई काम धंधा भी नहीं करता हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। तो इसीलिए मेरा पैन कार्ड के अनुसार मुझे 1250 रुपये पहले लोन अप्रूव हुआ है। अगर मैं ये लेने के बाद टाइम टू टाइम पे कर दूँ तो मैं 2 लाख रुपया तक यहाँ पर से लोन ले सकता हूँ। आप देख सकते हैं ये अभी लॉक्ड है। जब मैं इसको ये लोन लेके मैं सही से पेमेंट कर दूँगा तब मुझे ये लोन मिल जाएगा। ओके, और इसके नीचे और एक है, ये भी मुझे मिल सकते हैं, ये भी मुझे मिल जाएगा। ओके, क्योंकि मेरा एक लोन अप्रूव हुआ है तो ये दोनों भी अप्रूव हो जाएगा जब मैं इसको पेमेंट करूँगा। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको लेना है लोन। यहाँ पर से आप अपना क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इंक्रीज़ करने के मतलब आप एक ही तरह क्या है, यहाँ पर से पहले जो लोन अप्रूव होगा, एक लोन आपको अप्रूव हो जाएगा, वो लोन आप लीजिए। लेने के बाद आप वो सही से ही पेमेंट कर दीजिए, फिर आपको ये क्रेडिट लिमिट खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये लोन मेरा अप्रूव हुआ है, ये कैसे हुआ है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पर आपको पैन नंबर डालना पड़ेगा। पैन नंबर जब भी आप डालेंगे तो पैन नंबर के अनुसार आपको ये लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर आपके क्रेडिट लिमिट अच्छे है, थोड़ी बहुत अच्छे है, तो भी आपको ये मिल जाएगा। तो मिलने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है गेट नाउ। गेट इट नाउ पर जब भी आप क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं अभी लोन नहीं ले रहा तो इसीलिए मैं अभी आपको ये नहीं लेके दिखा पाऊँगा, क्योंकि मुझे अभी लोन की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा कंफर्म हो चुका है। गेट इट नाउ पे क्लिक करने के बाद मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो रीप्रोसेसिंग योर क्रेडिट प्रोफाइल, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा वेट कीजिए, आप देख सकते हैं ये मेरा हो गया। मुझे सब के सब फीस काटने के बाद मुझे ये अमाउंट मुझे मिलेगा, और मुझे 2 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे ये पेमेंट करना है। ओके, 62 डेज आप देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई कूपन है तो आप कूपन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे कोई कूपन मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस कूपन को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जब भी मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये लोन मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ओके, तो मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा, तो ऐसे करके आप यहाँ पर से लोन ले सकते हैं। तो ये 2500 रुपीस ये फ़िलहाल लॉक्ड है, क्योंकि मैंने पहले लोन अभी तक नहीं लिया। पहले लोन लेने के बाद जब मैं पेमेंट कर दूंगा तो मेरा सबके सब लोन जो लॉक्ड है वो अनलॉक हो जाएगा। तो चलिए बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ बैंक अकाउंट में कैसे आपको लेना है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विदड्रो कैश टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर एक्टिव नाउ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो क्रेडिट भी कार्ड है, वर्चुअल कार्ड, ये आपको एक्टिव कर लेना है। ओके, तो एक्टिव करने के बाद आप बैंक में विदड्रो कर सकते हैं, आप चाहे तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो पहले आपको बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको नीचे एक्टिव पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं एक्टिव क्रेडिट भी कार्ड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जब भी आप क्लिक करेंगे, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक नहीं सपोर्ट करता। ओके, आपको अच्छा कोई पॉपुलर बैंक देना है, जैसे कि IDBI,
SBI, ICICI ऐसे कुछ बैंक आपको यहाँ पर देना है, बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब चल जाएगा, लेकिन कोई भी पेमेंट बैंक नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ऐड सेविंग बैंक्स में जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको IFSC कोड देना है, यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर देना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर देना है, यहाँ पर कन्फर्म करके आपको ऐड कर देना है। जब भी ऐड कर देंगे ये आपके 24 घंटे के अंदर अंदर आपके अकाउंट ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आप ये जो अमाउंट है आप डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर पेमेंट में जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आपने कोई लोन लिया है तो यहाँ पर पेमेंट में जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कि आपको कितना EMI बाकी है, कितना EMI आपको देना है, सब के सब यहाँ पर दिख जाएगा। और ऑफ़र्स में जाके आप यहाँ पर ऑफ़र्स भी देख सकते हैं, अगर कोई ऑफ़र्स आया है तो यहाँ पर ऑफ़र्स आपको दिखा देगा, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर से आप शॉपिंग वगैरह करेंगे तो आपको ये सारे के सारे ऑफ़र्स आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अपना अकाउंट में क्लिक करके आप अपने अकाउंट देख सकते हैं। ओके, डिस्काउंट कूपन यहाँ पर से आपको मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप डिस्काउंट कूपन देख सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारा डिस्काउंट कूपन है, आप देख सकते हैं। तो डिस्काउंट कूपन वगैरह ये आप ले सकते हैं, रेफ़र करके भी आप अर्न कर सकते हैं, पॉइंट अर्न कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर देख सकते हैं, आपका क्रेडिट भी पॉइंट दे सकते हैं, ये आप कैश में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। ओके, आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, सेटिंग्स में जाकर आप सेटिंग्स वगैरह देख लेना। और मेरे लिए कुछ ऑफ़र्स है, ये ऑफ़र्स यहाँ पर से आपके लिए भी रहेगा, आप भी यहाँ पर से देख सकते हैं। और वीडियो वेरिफिकेशन कोड ये आपको करवा लेना है, ये आप जब भी करवा लेंगे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहले तो आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपके हाथ में पैन कार्ड रखकर आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, और ओरिजिनल पैन कार्ड, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल पैन कार्ड और आपका सेल्फी, ये ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। जब ये आपके पैन कार्ड हाथ में लेके जब भी आप स्टार्ट ये वीडियो कॉल में क्लिक करेंगे तो एक वीडियो कॉल लग जाएगा एजेंट के, ये कंपनी का जो एजेंट है उसके पास एक वीडियो कॉल चला जाएगा। आप सिर्फ अपना यहाँ पर जैसे दिखा रहा है ऐसे पैन कार्ड होल्ड करके आप दिखा देना, आपका वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे करके आप यहाँ पर से बहुत आसानी से आप लोन ले सकते हैं। और ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा है क्योंकि मैं लाइव आपको दिखा दिया कि मुझे ये लोन अप्रूव हो चुका है। और कल मैं आपको दिखाऊंगा कि आप फ्लिपकार्ट से कैसे लोन ले सकते हैं, वहाँ पर भी मेरा 3000 के लोन अप्रूव हो गया है, वो पहली लोन है। अगर मैं वो दूंगा, लेने के बाद ठीक ठाक पेमेंट कर दूंगा तो मुझे 60,000 तक वहाँ पर से लोन मिलेगा, तो वो भी मैं आपको कल दिखाने वाला हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मैं ऐसे यूज़फुल वीडियो जब भी लेके आऊँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो दोस्तों आज के लिए चलते हैं, मुलाकात होगा दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।